दोस्तों आपको बता दें, रिसेंटली खबर आई थी जहां पूनम पांडे की डेथ की खबर सामने आई थी, और इसके बाद ये बताया गया था कि उनकी जो डेथ है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। फॉर इंस्टेंस, ये बात सभी के दिमाग से एक बार ज़रूर गुजरी कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से कोई इतना जल्दी कैसे इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न दूसरा भी रहा होगा। दूसरी ओर, रिसेंटली उन्हें कसिनो में भी स्पॉट किया गया था, वो वहाँ डांस करती हुई नज़र आई थी, उसकी ओपनिंग पर नज़र आई थी गोवा के अंदर। इसके बाद सिर्फ 4 दिन बाद उनकी सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो जाना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। 32 की उम्र में ही सर्वाइकल कैंसर सर्वाइव ना करना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ता है। इसके बाद आपको बता दें कि जूम की माने, जो कि आप जानते ही जाना माना पोर्टल है, उसके हिसाब से ड्रग ओवरडोज की वजह से पूनम पांडे की जो यहां पर असामयिक निधन हुआ है। इस खबर के बाद से ही सभी लोग शॉक्ड हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अभी तक एक नैरेटिव सेट किया गया है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई है। इसके बाद कई लोगों ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी यहाँ पर मांग की है, और कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से इस दुनिया को छोड़ के गई है। आखिर क्या है पूरा मांजरा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में। कमेंट जरूर करें और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।